फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपू मॉम कॉम। फ्रेंड्स, मैं दीपिका आज बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट खोआ। काफी जगह पर मावा इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप इसे घर पर कैसे बना सकते हैं। और बिल्कुल प्योर मावा आपका मार्केट से भी अच्छा घर पर ही तैयार हो सकता है। बहुत सारे इंडियन स्वीट्स और डेजर्ट्स में हम इसे यूज करते हैं और काफी सारी ग्रेवीज में भी हम इसे डालते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि आप इंस्टेंट खोआ घर पर कैसे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 8 से 10 मिनट में। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट मावा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मिल्क, लिया है मैंने रूम टेम्परेचर पे, और ये मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिया है घी, और 1 कप मैंने लिया है यहाँ पे मिल्क पाउडर। आप कोई सी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, दूध हमें जो लेना है रूम टेम्परेचर पे ही लेना है, ज्यादा गर्म या ठंडा दूध आप यूज ना करें। फ्रेंड्स, पैन को सबसे पहले गर्म करके हम इसमें डालेंगे देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पे मक्खन का भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर घी यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3/4 कप मिल्क। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है, आप चाहें तो कोई भी मिल्क इसमें यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर चला देती हूँ अच्छे से, ताकि दूध जो है अच्छे से गर्म हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा हल्के सा गर्म हो गया है। तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूंगी ये मिल्क पाउडर। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे एक हाथ से हमें इसे चलाते जाना है, ताकि इसमें लम्स जो है बने ना। एक साथ मिल्क पाउडर आप अगर डालेंगे तो इसमें बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाती हैं, फिर उसको पकाना मुश्किल होता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें मिल्क पाउडर ऐड करें, और बस हमें नॉन स्टॉप इसको चलाते हुए पका लेना है 5 से 6 मिनट तक। और ये जो लम्स हैं इसमें छोटे छोटे, इसको भी हम ब्रेक करते जाएंगे स्पैचुला की हेल्प से। गैस हमें यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम ही रखनी है फ्रेंड्स, इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना पकाएं, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक हमें इसी तरह से इसको चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करना है, और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि ये इस कंसिस्टेंसी में आने लगेगा, यानी कि हल्का सा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल भी छोड़े ना आप, कंटिन्यू चलाते ही रहें। हार्डली 10 मिनट लगेगा आपको इसको बनाने में, ये देखिए। और साइड्स को भी आपको अच्छे से स्क्रैप करते जाना है, ताकि ये इवनली कुक हो पाए और नीचे तले में लगे ना। तो इसको चलाना बंद नहीं करिएगा, कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे हम यहाँ पे, और जितने भी छोटे छोटे लम्स हैं इसमें हम सबको ब्रेक करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा क्रीम जैसे टेक्सचर में ये आ गया है। यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलाते जाना है, जब तक ये पैन को इजीली छोड़ना शुरू ना कर दे। आप देखेंगे कि मिक्सचर जो है पूरा पैन से छूटना शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारा मावा अच्छे से कुक हो गया है। इसको चलाते जाएंगे हम 2 से 3 मिनट, और देखिए काफी हद तक ये थिक होना शुरू हो गया है। अब इसको हमें मावा की कंसिस्टेंसी तक लाना होगा, और आप बिल्कुल भी इसको छोड़े नहीं यहाँ पे, बिल्कुल चलाते हुए हमें इसे पका लेना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी तले पे चिपक जाता है, इसलिए इसको चलाते रहें। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है मावा हमारा तैयार। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम प्योर मावा आपका बनकर ही तैयार हो गया है घर में। अब आप इसे मिठाई में, ग्रेवी में, या फिर किसी भी चीज में आप इसे यूज कर सकते हैं, और इसे आप 1 हफ्ते तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। आपको ये इंस्टेंट खोआ की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।